नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के गौड़ा पर गांव के पास ईंट से लदी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार चालक मुकेश कुमार समेत 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर पर ईंट लौटकर पेड़का से पटना की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर चालक को चकमा दे दिया। चकमा देने से ट्रैक्टर चालक गति पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर के अंदर दबे हुए 3 मजदूरों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। फोन गाड़ी आप दूंगा गया था तो फोन किया तो गाड़ी नहीं पता चल रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ पता रहा था, वही में खोज भाड़ किया तो फिर पता चला कि गाड़ी उल्टल है पुल पर। हुआ था गाड़ी पर जी ट्रक मैंने मारा है, ट्रक चकमा दिया है और ट्रक दूर लट गया है। कितने की मौत हुई है? 3 मौत हुई। तो मैंने जा रहा था कहाँ से कहाँ, क्या लोड था गाड़ी पर? ईटा लोड था। जा रहा था कहाँ से कहाँ? कड़का से जा रहा था, कहाँ पास? पटना जा रहा। पेड़का से पटना? तो किधर किधर के हैं क्या? नहीं नहीं वो पते नहीं तो वो कहाँ से। एक की शिनाख्त हो गई है जी? एक की शिनाख्त हो गई है, पहचान? एक पहचान लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बाला यादव। घटना रात्रि में इन लोग फतुहा से दनियामा ले जाके ईटा बेचते हैं अपना ट्रैक्टर से, और परिवहन विभाग कभी ध्यान नहीं देते हैं। ओवरलोडिंग गाड़ी जो चलता है उसको रोकथाम नहीं करते हैं। ओवरलोड के कारण गाड़ी एंटरेंट हो गया चकमा कारण, ऐसी वजह से मान लिया है तीनों के दुर्घटना हो गया। ऐसा जगह हुआ था कि रात में कोई देख भी नहीं पाया कि गाड़ी पलटा है, पुल के नीचे है, इस वजह से इन लोग के कोई देख भी नहीं पाया था। सवेरे पता चला हो गया।